संसद सत्र के पहले ही दिन इंडिया गठबंधन ने दिखाए अपने तेवर। के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाए जाने पर इंडिया ने किया विरोध। के सुरेश, टीआर बालू और सुदीप बंदोपाध्याय ने आज नहीं ली शपथ। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू। पहले दिन सांसदों को दिलाई जा रही है शपथ। सबसे पहले पीएम मोदी और उनके मंत्रियों ने ली शपथ। आज करीब 280 सांसद लेंगे पद की शपथ। संसद पहुंचे अवधेश प्रसाद ने दिया बड़ा बयान। बोले, हमारे एजेंडे अब तय होंगे। हमारे पास अयोध्या के लिए अच्छी योजनाएं हैं। वायनाड सीट से राहुल गांधी का इस्तीफा हुआ मंजूर। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने संसद में की घोषणा। दो सीटें रायबरेली और वायनाड से लोकसभा चुनाव जीते हैं राहुल गांधी। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने पीएम मोदी को लिखा खत। जल संकट पर हस्तक्षेप की मांग। सीबीआई टीम पर हुए हमले पर तेजस्वी का मोदी सरकार पर निशाना। बोले, पेपर लीक सीबीआई पर हमला आपकी सरकार में और जंगल राज किसी और का। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी का आरजेडी से कनेक्शन जोड़े जाने पर मनोज झा का बीजेपी पर पलटवार। बोले, तो फिर नीरव मोदी भी नरेंद्र मोदी के मौसेरे भाई हैं। केजरीवाल को फिलहाल एससी से राहत नहीं। हाईकोर्ट के फैसले का किया जाएगा इंतजार। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट पर भी की टिप्पणी। कहा, इस तरह के फैसले रिजर्व नहीं रखे जाते। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जीते हुए सांसदों को दी मुबारकबाद। बोले, इस बार एक मजबूत विपक्ष आया है। आज हुकूमत बैसाखी पर है। प्रज्वल रिवाना के भाई सूरज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शोषण केस में कल हुई थी गिरफ्तारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वीपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचे यूएई। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का किया दौरा। रूस में चर्च और यहूदियों के धर्म स्थल पर हुआ चरमपंथियों का हमला। 7 लोगों की गई जान। 2 हमलावर हुए ढेर। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी और बेटों के लिए जीवन भर की सिक्योरिटी की मांग की। जंग के बीच दुनिया घूम रहे हैं नेतन्याहू के बेटे याइर। रूस पर 5 यूक्रेनी मिसाइलों की बरसात। हमले में 3 लोगों ने गवाई जान। 100 घायल। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान 1301 यात्रियों ने गवाई अपनी जान। जान गंवाने वालों में ज्यादातर गैर कानूनी तरीके से पहुंचे थे मक्का। सऊदी बोला, हमने 1 लाख से ज्यादा अवैध यात्रियों का किया इलाज। जीएसटी करदाताओं को बड़ी राहत। रिटर्न में अब कर सकेंगे संशोधन। एक्सपर्ट्स ने भी की फैसले की तारीफ। 20 रुपए तक घट जाएगी तेल की कीमतें। जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 राउंड में आज होगा भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच ग्रॉस आइलेट में मुकाबला। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी के बाद किया ग्रैंड रिसेप्शन। रिसेप्शन पार्टी में हनी सिंह के गानों पर जमकर थिरकी जहीर संग सोनाक्षी। आज काम होता तो यहाँ नहीं होता। बिग बॉस के घर में पहले ही दिन छलका रणवीर शौरी का दर्द।